हाय एवरीवन, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हैं तो कैसे लगे, क्या प्रोसेस है, क्या करें कि हम भी दिल्ली पुलिस में लग सके। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि इसमें मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी बता देती हूँ, जो बच्चे आना चाहते दिल्ली पुलिस में तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी और अगर डिटेल्स में किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसके भी रिगार्डिंग वीडियो बना के दे दूँगी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज भी मिलेगी, यहाँ पे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी। और जब आप फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेट होंगे ना उस वक्त आपको एक पावर पंच भी मिलेगा जो आपको कभी हारने नहीं देगा। मतलब होता है ना, लाइफ में डेली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर एक वक्त के बाद लगता है यार ये नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त जब आप लो फील करते हैं तो यहाँ पर आपको और चैनल से जो डिफरेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको भी डीमोटिवेट नहीं होने देते। ओके, तो अभी हम आपको मोटे मोटे तौर पे बताते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी 18 साल कम्प्लीट होनी चाहिए, 12th आपकी पास होनी चाहिए। ये है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन मांगते हैं। और इसके अलावा आपकी हाइट, अगर आप मेल कैटेगरी है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है कि आप एज कंप्लीट हो गई, देन आपने फॉर्म निकले, फॉर्म फिल कर दिए जो आजकल ऑनलाइन ही होते हैं। हाँ आती हूँ, चलो मैं आ रही हूँ। मेरी गुड़िया खेल रही है पार्क में तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा मेरा काम भी हो जाएगा, बिटिया भी खेल लेगी, फिर मुझे ड्यूटी भी जाना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, जब फॉर्म निकलेंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अभी 2023 के फरवरी में वैकेंसी आ रही हैं जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो वहाँ की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको आना है, हर दिन यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, देन आपको एक पेपर देना होता है जो कंप्यूटर बेस होता है, CBT जिसको बोलते हैं। CBT जब आपका क्लियर हो जाता है तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में बहुत ही आसान है, 1600 मीटर तो मेल्स कैटेगरी के लिए है, और जो फीमेल कैटेगरी उनके लिए भी 1600 मीटर है, लेकिन उनका टाइमिंग 8 मिनट है, लड़कों का 6 मिनट है। और उसके अलावा आपको ऊंची कूद करवाई जाती है, लंबी कूद करवाई जाती है, ये मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ मैं। बाकी की डिटेल में आपको मैंने पहले भी वीडियो डाले हुए हैं और आगे भी आपको डाल दिए जाएंगे। फिजिकल आपका हो गया, आपकी हाइट अच्छे से नप गई, आपका जैसे मेल कैटेगरी है उनका चेस्ट फुला के और नॉर्मल चेस्ट का जैसे होता है 81-85 लगभग समथिंग होता है, उसमें आपने अगर क्लियर कर दिया, आपका फिजिकल पास हो गया, फिर आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। मेडिकल में बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कि अगर आप फिजिकली फिट है, आपका कोई भी ऐसा हाथ पैर टूटा हुआ नहीं है, या ख़ास तौर पे जैसे फ्लैट पैर नहीं है, और ऐसा आपकी आँखों का नज़र का जो भी चश्मा इतना ज़्यादा नंबर का नहीं है कि आप देख ही ना पाए, बाकी बेसिक छोटी मोटी तो प्रॉब्लम होती है वो हम एक्सरसाइज वगैरह से आपको पता ही है, सब लोग आजकल ठीक कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, बिकॉज पहले इंटरव्यू होता था लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होता। तो आपका फिजिकल पास करना है, आपको टेस्ट पास करना है, मेडिकल देना है, दिल्ली पुलिस में ज्वाइन होना है, ट्रेनिंग करनी है, और वापस अपने जो भी आपको पोस्टिंग मिलती है, चाहे वो थानों में मिलती है, चाहे वो यूनिट में मिलती है, या फिर कहीं भी आपको जहाँ भी डिप्लॉय किया जाता है, फिर ड्यूटी करनी है और लोगों की सेवा करनी है और अपने घर परिवार को पालना है। ओके, तो जो भी बच्चा आना चाहता है बेशक से आए, एंजॉय करे, खुश रहे, मस्त रहे, क्योंकि लाइफ तो ज़बरदस्ती है, बस जीने का अंदाज आना चाहिए। बाकी मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट की जैसी जॉब और कहीं नहीं मिलेगी। आप डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली उन लोगों की हेल्प करते हैं, डायरेक्टली उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचती हैं, और ब्लेसिंग्स की पावर बहुत ज़्यादा होती है, मैं इस पे विश्वास करती हूँ। बाकी जो भी बच्चा जो भी करना चाहता है, मेरी विशेष है सब आप सभी के लिए कि आप जो पाना चाहते हैं बिल्कुल से पाएं, जो दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस में भी आएँ, आप सबका वेलकम है। और हमारे परिवार के जो पहले से जो सदस्य हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी डिपार्टमेंट में आके डिपार्टमेंट की शान बढ़ाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी बच्चे आना चाहते हैं। बाकी किस टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और को भी
थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार इतना आसान प्रोसेस है तो मैं भी दिल्ली पुलिस में जा सकता हूँ, बिकॉज गांव में इतना बड़ा हवा बना रखा है ना, दिल्ली पुलिस नहीं और सब नहीं जा सकते। तो इसीलिए प्लीज़ से इसको शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना, मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ लोगों को मेरी कंटेंट्स अच्छी लग रही है, लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है, तो वो थोड़ा सा अपने आप में और मुझे आगे कुछ करने को हेल्प करता है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।